2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया में 3 साल बाद वापसी कर रहे वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन शानदार रहा। गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन करंट T20I स्पिनर रवि बिश्नोई को बेंच पर बैठाया और वरुण चक्रवर्ती को खिलाया। सोशल मीडिया पर यह खबर चली कि यार गौतम गंभीर अपने चहेते, क्योंकि गौतम गंभीर केकेआर के मेंटोर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया, पर वरुण चक्रवर्ती ने इस बात को गलत साबित किया क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का जो परफॉर्मेंस था वो शानदार रहा। 4 ओवर गेंदबाजी करी, 31 रन दिए, 3 विकेट दिए, 7.80 की इकोनॉमी रही और उसमें हृदय, जाकर और रिशाद, इन तीनों को आउट करके बांग्लादेश की कमर कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ दी थी। इससे पहले शायद 4 विकेट भी हो सकते थे क्योंकि उनके गेंदबाजी पर एक कैच भी छूट गया था, पर उसके बावजूद उन्होंने अपनी गेंदबाजी अच्छी प्रदर्शन करना नहीं छोड़ा, जिसके चलते 3 साल बाद वापसी जरूर की और 3 विकेट भी लिए। उसके बाद जब वरुण चक्रवर्ती पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो उन्होंने क्या कहा, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि 3 लंबे सालों के बाद मेरे लिए ये निश्चित रूप से इमोशनल मोमेंट था। इंडिया ब्लूज में आकर, वापस आकर अच्छा लग रहा है और एक ये पुनर्जन्म जैसा लगता है क्योंकि मैं बस प्रोसेस पर ध्यान फोकस करना चाहता हूँ, जो मैं IPL में भी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि जो कुछ भी है उससे आगे जाऊँ और मैं वर्तमान में रहना चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचता और ना ही ज़्यादा इमोशन को बयां करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि यार IPL के बाद मैंने कुछ टूर्नामेंट्स खेले, उनमें से एक तमिलनाडु प्रीमियर लीग था। ये एक बहुत अच्छा और हाई स्टैंडर्ड का टूर्नामेंट था और उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जहाँ मैं बहुत काम करता हूँ। अश्विन भाई के साथ भी हमने चैंपियनशिप जीती, जिसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं फिर से वापसी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इस सीरीज़ के लिए TNPL मेरे लिए बहुत अच्छी तैयारी थी। फिर उनसे पूछा गया कि यार आपकी एक जो कैच है वो छूट गया था आपके ओवर में, तो उन्होंने कहा कि यार ये मेरे पक्ष में जा सकता था, लेकिन क्रिकेट ऐसा ही है तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। भगवान का आभारी हूँ कि 3 विकेट भी मिले। फिर उन्होंने कहा कि यार बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, जब आप इंडियन टीम में नहीं होते हैं तो लोग आपको बहुत जल्दी भुला देते हैं और आपको हाई स्टैंडर्ड पर बने रहना चाहिए, बार बार दरवाजे पर दस्तक देते रहना चाहिए। शुक्र है कि इस बार ये हुआ, उम्मीद है कि मैं अपने अच्छे काम को जारी रखूंगा। तो कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती के मन में भी वो टीज है कि यार 3 साल तक मैं इंडियन टीम से बाहर रहा और अब जाकर मुझे मौका मिला है और वहाँ पर मैंने परफॉर्म भी किया। अब उनकी यही उम्मीद है और उनकी कोशिश भी शायद यही रहेगी कि वो लगातार टीम इंडिया में बने रहें। हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगले साल एशिया कप होना है जो कि भारत में है और T20 फॉर्मेट में है। वहाँ पर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों की वापसी होगी, प्लस इनको कंपटीशन मिलेगा रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर से। तो वरुण चक्रवर्ती के सामने अभी काफ़ी चैलेंजेस सामने आना बाकी है।